ये देखो मोर डांस कर रहा है, घूम रहा है। और ये रही गरी, गरी की बैल बनूंगी। ए एलियन लड़ाई छिड़ी जी। देखो इसीलिए मैंने एक दिन मर्ज कर दिया। लेकिन आंधी आ गई है, इस सीजन की पहली आंधी। सामने देखो आप, बस आंधी ना आने से इतना घाटा हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 8:15 बज चुके हैं और आज इतनी ज़्यादा धूप हो चुकी है, यही वाली मूँगफली नरा रहे थे हम सिस्टर ब्रदर। तो आज जितनी शाम को नराई थी उससे दोगुनी तो नर चुकी 2 घंटे में। सुबह 6 बजे आए थे ना, तो अब खाने का टाइम हो चुका है। वैसे वहाँ से आते थे 10 बजे, आते थे 11 बजे, आते थे, कोई खाने का टाइम नहीं था बिकॉज बहुत ज़्यादा दूरी थी। यार दूरी वाली तो बात है ही नहीं, ये देखो पास में ही मकान रहा तो लेट क्यों खाएँ। तो अभी सिस्टर भेज दिया, वो लेके आ रही होगी। मैं घर पे बहुत कम जाता हूँ, यहीं रहता हूँ घेर में दुकान के पास, तो सिस्टर आ रही होगी लेके। तो अभी हम चलते हैं, फेस्ट वेस्ट करते, कुल्ला उल्ला करते, नहाएंगे नहीं अभी, क्योंकि इसके बाद खाने के बाद थोड़ा बहुत और आ जाएंगे, थोड़ी बहुत और नर जाएंगे। और सूर्या ये देखो पता क्यों बैठा है, काम थोड़ी ना करता कुछ भी, मोबाइल चलाने के लिए। चलें सूर्या घेर में, चलो खाना खाएं तब आएंगे। ये देखो मोर डांस कर रहा है, घूम रहा है, कर रहा है। ये देखो आगे आएगा, ये देखो कितने रंग बिरंगे पंख। थोड़ा पास जाने की कोशिश करते हैं, कब डांस करना बंद करता है। कर दिया कर दिया। खाना पीना खा के दोबारा आ चुके हैं। तो ये देखो गड्ढे में स्टोर होता है पानी, तो मुझे नरवाई करनी है। इधर साइड की हो चुकी है वहाँ तक, और दूसरी वाली है जो पखिया, पखिया तो नहीं पड़ी है, मांगी बोल सकते हैं, तो उसी में नरवाई हो रही। घास भी पड़ी है, ये देखो यहाँ तक कल मिला दी थी। उधर साइड भी मिलाते हैं, एक और छूटती जा रही उधर साइड। मार्केट होके आइए, देखते क्या क्या आया है। इसमें रबर दो केसरिया हैं, इसमें टोटल माइक्रोनी माइक्रोनी है, ये एक वाली पेप्सी है, लक्की जूसी, ये कॉपी भी आ चुकी है 20 वाली, 10 वाली। इसमें दोने हैं केसरिया का जलता, फ्रूटी का पैकेट एक और आ चुका है, और ये रहा सोन पापड़ी का पैकेट है। क्या है इसमें, मैदा है, और ये रही गरी, गरी भी अवेलेबल होगी। यही सौदा आई है, पहले मैक्रो की करते हैं इस वाली डेग डे भी देखे आती है। इसमें अपनी आग वगैरह इसमें रखते हैं, एलियन एलियन लग रहा है, एलियन देखो एलियन। ये एक एलियन गिर पर, ए ए एलियन लड़ाई छिड़ी जी। देखो ए एक एलियन लगी चोट है,
अरे 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 मारा मत ना, ना। पूरी पन्नी जा में डारा, चलो डाट दे सब, डारा 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 डारो सर राटे। ऐसे ही थोड़ी और बची डालो एकदम। जी देखो एलियन कितनी लेके आ रहा, जी देखो जी देखो। एलियन 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 और एलियन फेंको। हाँ बस धन्यवाद। शाम के 4:45 बज चुके हैं, अब नरवाई का टाइम हो चुका है। वैसे नरवाई की बात करें, इसमें घास वगैरह ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ी बहुत है वो उठा लेंगे, ज़्यादा घास वाला पूरा निकल चुका है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और आज उधर बिल्कुल नहीं बचा, जो लास्ट वाली थी मांग उधर साइड से नराग के यहाँ पे छोड़ दी, और ये वाली फिर यहाँ से वहाँ तक छोड़ दी। ये देखो इतनी घास निकल आई। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और ये गुड इवनिंग है दूसरे दिन की। मुझे एक दिन मर्ज करना था, मतलब गड़बड़ हो जाता था, मतलब आज का अगर ब्लॉग बन रहा है तो कल और परसों मतलब 2 दिन के पेंडिंग में हो जाते थे, तो मैंने सोचा एक दिन मर्ज कर देते हैं, ये 2 दिन का जो झंझट है वो एक दिन में ही ख़त्म करते हैं। अब कल वाला ब्लॉग और आज वाला ब्लॉग दोनों मर्ज करके इकट्ठे बन जाएंगे, फिर आज वाला कल आएगा, कल वाला परसों डिलीवर होगा, परसों वाला नर्सों, ऐसे करके सीक्वेंस बन जाएगा। इसीलिए मैंने एक दिन मर्ज कर दिया है और आज सुबह से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, अब शुरुआत कर रहा हूँ, बिकॉज कल का पड़ा है और थोड़ा बहुत आज बनेगा, पूरा बन जाएगा। अब देखो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अब देखो 3-4 दिन हुए फिर से सब्जी आज भरनी पड़ी, 1-2-3 भर चुके हैं, चौथे में लग रहा है पानी, चौथा भी ऑलमोस्ट भर ही गया है। ये देखो किनारी बची है, वो सील जाएगी, बंद करते हैं। शाम के मौसम की बात करें तो ये देखो बादल हैं थोड़े बहुत, इधर साइड ज़्यादा गहरे हैं, बारिश के तो चांस नहीं लग रहे हैं, लेकिन आंधी आ गई है, इस सीज़न की पहली आंधी। सामने देखो आपको, ये देखो धूल धूल दिख रही, अभी इधर तो नहीं आ पाई है, आ रही होगी शायद। लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, आंधी अभी भी तेज़ी से नहीं आई है, थोड़ी बहुत आई है, देखो पेड़ वेड़ थोड़े बहुत हिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता साइड मार गई, उधरी साइड से आई होगी या इधर से या इधर से, तो उधरी उधर चली गई। बस आंधी ना आने से इतना घाटा हो गया कि जो शाम को मच्छर लगते हैं ना, तो वो लगभग ख़त्म हो जाते, पूरे तो नहीं होते लेकिन इतने तो नहीं लगते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो जो आंधी आती तो उससे छुटकारा थोड़ा बहुत मिल सकता था।